राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी में सरकार और अफसरों की अनदेखी के चलते अनुसूचित जनजाति के लोगों को केंद्र सरकार के भेजे गए फंड का कोई उपयोग नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग का भी फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं और सबको कि इसका जल्दी से जांच करके और इनका प्रमाण पत्र भी जारी हो और ताकि वहां पर आने वाला समय का जो फंड है वो विधिवत जारी हो सके और जनजाति समाज को और अधिक हम लाभान्वित करा सके। तो चर्चा हो गई, जनजाति वर्ग को हमें लगता है क्योंकि वो SC के साथ मिला हुआ था, अभी भी उसको SC प्रमाण पत्र कुछ जनपदों में जारी हो रहा है, उसको अलग करने से और ठीक से आने वाला जनगणना के समय अगर ठीक किया जाएगा तो इसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे हमारी उपाध्यक्ष महोदया ने कहा है कि 1 करोड़ आसपास की संख्या हो सकती है जनजाति का।